आरटीआई में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें बताया गया है कि महबूबा मुफ्ती ने लाखों रुपए का सामान खरीदा है। उसको लेकर जम्मू में विरोध शुरू हो गया है। शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है वो प्रदर्शन कर रहा है। साफ तौर पे बहुत बड़ी नाराजगी है और जिस तरह से सरकारी संपत्ति का, सरकारी धन का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसको लेकर लगातार रोष बना हुआ है। और कई संगठन ये कह रहे हैं कि जो राजनेता हैं वो क्यों जनता के टैक्स के दिए हुए पैसों का दुरुपयोग करते हैं और महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं। बताया जा रहा है कि 82 लाख रुपये का सामान खरीदा गया है जिसमें कारपेट है और बेडशीट है, ये तमाम सामान है। और इसको देखते हुए जो कई संगठन हैं वो अब महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जो है प्रदर्शन उग्र कर रहे हैं, ज़ोरदार कर रहे हैं। और ऐसे में शिवसेना डोगरा फ्रंट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा ही प्रदर्शन करता रहा है और आज एक बार फिर जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट प्रदर्शन कर रहा है महबूबा मुफ्ती के खिलाफ। हालांकि जिस तरह से अभी सिनेरियो बने हुए हैं, DTC चुनाव हुए हैं और उसके बाद जो गुपकार पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का गठन हुआ था उसमें देखा गया कि तमाम सियासी पार्टियाँ इकट्ठी हुई थी और कहीं ना कहीं PDP जो है, PDP NC के साथ मिलकर उन्होंने कंटेस्ट किया और उसके बाद कहीं ना कहीं कहें कि जो PDP की जो ज़मीनी स्थिति है वो इस समय काफ़ी ख़राब थी, तो उसके बाद एक बार फिर कंट्रोवर्सी में महबूबा मुफ्ती का नाम आया है और शिवसेना डोगरा फ्रंट यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर यह लिखा गया है कि 6 महीने में 82 लाख का सामान खरीदा, कटलरी 40 लाख, नगद 28 लाख, चाय 14 लाख, ये साफ तौर पे बड़े एलिगेशन हैं और इसको देखते हुए यहाँ पर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जी महबूबा मुफ्ती, 82 लाख रुपए का सामान खरीदा गया, पहले भी कई राजनेताओं का दुरुपयोग देखा जाता है, क्या कहेंगे? सर यहाँ डेली वेजरों को पैसे नहीं हैं, इतनी बर्फ पड़ रही है, गरीब आदमी का रोटी खाना नासर हो गया है और ये जो सियासतदान है ये 82 लाखों रुपए का 6 महीने के अंदर सामान खरीद रहे हैं। अरे 40 लाख की कटलरी, 7.5 लाख रुपया चाय पिलाई और बाकी नमदे गब्बे बाकी सामान पर्दे, इसके विषय के अंदर जांच का विषय है। और मैं फिर एक मांग करने का प्रयास करना चाहता हूँ, वो सामान कहाँ गया? वो पहले वाला सामान जो लगा था जिसको बदला गया वो वाला सामान कहाँ है? और ये वाला सामान जो आया ये सामान वहाँ है कि घर ले गए? इसके विषय के अंदर जांच का एक विषय बन गया है। और बाकी जो लोग हैं, जितने भी बाकी लोग हैं, चाहे वो DC है, कोई CM है, पुराने पूरे रिकॉर्ड निकाल करके बाहर आने चाहिए माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। 370 के अंतर्गत ये पहली अचीवमेंट है कि जो किसी ने पैसे खाए या सामान लाया वो सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं और RTI का लागू ये पहली बार हुआ है और 370 समाप्त होने के बाद हुआ है। इसलिए मैं मांग करने का प्रयास करना चाहता हूँ, ऐसी बातें जिन लोगों के पास अगर ये पैसा इस तरह से व्यर्थ जाया गया तो क्या गरीबों के मकान नहीं बन सकते थे? क्या गरीबों को आगे ले जाने का प्रयास नहीं हो सकता था? गरीबों को पेट के अंदर रोटी नहीं जा सकती थी? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये जांच का विषय है। माननीय उपराज्यपाल जी आपसे विनम्र प्रार्थना है और आपका धन्यवाद है, आपने इस तरह की RTI के माध्यम से जो जो खर्चा हुआ है, अब आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, जितने भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, जितने भी भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और जितने भी मंत्री हैं, उन्होंने एक एक अपने टेनोर के अंदर कितना कितना सामान खरीदा वो सारी बातें सार्वजनिक होनी चाहिए और लोगों को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए कि ये टैक्स पेयर का रुपया किस तरह से मिसयूज किया जाए। टैक्स पेयर का रुपया मिसयूज हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें कार्रवाई कोई नहीं होती है क्योंकि बड़े ये नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये लोग और इसके अलावा कई और कश्मीर के बड़े लीडर हैं, मामला किसी पर दर्ज नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती, इसी वजह से वो लगातार वही प्रक्रिया चलती रहती है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, पहले जानकारी नहीं मिलती थी, अब तो पहली बार कृपा करके 370 के बाद अब जानकारी मिलना प्राप्त हुई है। जब जानकारी मिलना प्राप्त हुई है तो कार्रवाई भी होगी, नई कार्रवाई होगी, मैं कोर्ट के अंदर जाऊंगा। इसलिए मैं इस सारे विषय पर ये प्रार्थना करने का प्रयास करना चाहता हूँ कि ये मांग कर रहा हूँ उपराज्यपाल जी, RTI के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है अब उस पर कार्रवाई करिए, वो सामान कहाँ कहाँ है। मुझे तो ये भी जानकारी है जो बड़ी बड़ी टूटियाँ
जिसमें 5-5 हज़ार की एक एक टूटी लाई गई, वो भी टूटियां उठा करके कुछ लोग घर ले गए। और यहाँ पर बड़े लोग ऐसे हैं, बड़े भूतपूर्व मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने वो पर्दे उठा करके अपने घर के अंदर लगाए, नमदे गब्बे अपने घर के अंदर लगाए। इसके विषय के अंदर जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। कोई बड़ा है कोई छोटा है उसको पकड़ करके अंदर करना चाहिए और ये टैक्स पेयर का रुपया उनसे वसूलना चाहिए जो सामान घर के अंदर लेकर के। जो टैक्स पेयर का रुपया है वो वसूलना चाहिए। साफ तौर पे शिवसेना डोगरा फ्रंट यही मांग कर रही है। और जिस तरह से एक RTI की बात पता चला है कि 82 लाख रुपए का साफ तौर पे जो फंड है उसका उपयोग महबूबा मुफ्ती द्वारा किया गया, जिसमें कि 14 लाख की चाय, जैसे कि यहाँ पे बैनर्स पे लिखा भी हुआ है, महंगे कारपेट्स हैं, कर्टन्स हैं, ये साफ तौर पे टैक्स पेयर का पैसा है। जो पैसा प्रगति में, प्रदेश की प्रगति में लगना चाहिए, जो डेवलपमेंट में लगना चाहिए, जो गरीबों के विकास में लगना चाहिए, वो साफ तौर पर जो इमारतें हैं सरकारी, जो घर हैं नेताओं के, उसको सज्जा सजावट में लगाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं खुलासा है और इससे एक्सपोज हुए हैं वो नेता पिछले लंबे समय से सत्ता पे काबिज से। विजिलेंस पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स, जम्मू।